अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी विल स्टडी योर बुक जनरल साइंस ऑफ क्लास 10 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 171 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, राइट अ कॉम्प्रीहेंसिव नोट ऑन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। तो इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लें कि जिस तरह से ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, राइट अ कॉम्प्रीहेंसिव नोट ऑन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट के थोड़ी देर बाद ही इसने इस चीज़ को डिसाइड किया था कि ये न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस जो हैं, यानी अमन और सुकून के मकासद, उसके लिए इसको इस्तेमाल करेगा। तो इस पर्पस के लिए, फॉर द पीसफुल पर्पस, यानी एक अमन और सुकून के मकासद हासिल करने के लिए, इन 1956 पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी रिसर्च काउंसिल वजूद में आई। ड्यूरिंग 1964 to 1965 एंड इन 1973 ये इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया गया और एक खुद मुख्तार स्टेटस दे दिया गया पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को। इन 1972 इस कमीशन को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसकी मुंतकली कर दी गई और अब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक डायनामिक इंस्टीट्यूट बन चुका है साइंस और टेक्नोलॉजी का, पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क में। इन 1972 में क्या हुआ था कि बच्चों, कमीशन को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन साइंस और टेक्नोलॉजी में इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा और फुआल इंस्टीट्यूट है, यानी इदारा है। मुनासिब तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत की कमी और मुल्क की इंडस्ट्री और साइंसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हासिल करने के लिए 1965 में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से एक इदारा बनाया गया, जिसे हम पिंसटेक भी कहते हैं। और बच्चों, ये जैसा कि पिक्चर में आप लोग देख भी सकते हैं, दिस इज़ द पिंसटेक, जहाँ पर न्यूक्लियर साइंस की फील्ड में रिसर्च की जाती है, ताकि हम भी अपने मुल्क को डेवलप कंट्रीज़ की लाइन में खड़ा कर सकें, उनकी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में हम उनको अपने मुल्क को भी हम अपने मुल्क को भी ला सकें। इस इंस्टीट्यूट में महदूद पैमाने पर, लिमिटेड यानी नहाय स्केल पर, हमने नहाय सेंसिटिव इक्विपमेंट्स और स्पेशल न्यूक्लियर मीटर्स बनाए जाते हैं। मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री के वगैरह के शोबों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो भी प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी हम उसकी भी तैयारी करते हैं। ये इदारा इंडस्ट्रियों और दूसरे इदारों को टेक्निकल सपोर्ट भी मुहैया करता है। पिंसटेक में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के नाम से दो रिसर्च रिएक्टर्स हैं, जिनकी पैदावारी सलाहियत जो है तकरीबन बिलतरतीब 10 मेगावाट एंड 27 किलोवाट है। पाकिस्तान, अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जो न्यूक्लियर एनर्जी को बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मकसद के हसूल के लिए 1972 में कनाडा की कॉरपोरेशन से कराची में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया, जिसका नाम कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसे हम कैनोपी कहते हैं। इसकी कुल पैदावार जो सलाहियत थी है वो तकरीबन 137 मेगावाट है।
इस प्लांट में रिसाइकल्ड यूरेनियम को हम एज फ्यूल यूज़ करते हैं, यानी बतौर ईंधन हम इसे इस्तेमाल किया जाता है 1992 में। और बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये इदारा जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे जो बाकी दूसरे इदारे हैं उनको भी ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। पिनस्टेक में पार्ट वन एंड पार्ट टू नामी दो रिसर्च रिएक्टर्स हैं जिनकी पैदावारी सलाहियत बिरतरतीब 10 मेगावाट और 27 किलोवाट है। जैसा कि बच्चों ये पिक्चर में डिस्प्ले भी किया गया है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ बेसिकली पार वन। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो न्यूक्लियर एनर्जी को बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मकसद के लिए 1972 में कनाडा के तुआमन से कराची में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया जिसका नाम कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी कैनूप है। इस प्लांट में रिसाइकल्ड यूरेनियम को एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं। 1992 में चीन के तामुन से दरियाए सिंध पर नियर मियांवाली चश्मा बैराज पर दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया जिसका नाम चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी चेस्नुप है। इसकी कुल पैदावारी जो सलाहियत है वो 300 मेगावाट है। इस प्लांट में भी यूरेनियम को बतौर ईंधन ही हम इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मुल्क की बढ़ती हुई बच्चों बिजली की मांग को पूरा करने में नहायत अहम करदार अदा करती है, और इसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही होता है कि इससे हमारे माहौल को नुकसान नहीं पहुंचता। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुल्क की ज़रूरियात को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुल्क की ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए न्यूक्लियर एनर्जी के पुरअमन मकासद के हसूल की अहमियत पर जोर दे रहा है। इसी सिलसिले में पूरे मुल्क में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और दूसरे साइंसी डिसिप्लिन में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो उन्होंने कायम किए हैं जो मुल्क की तरक्की में फ़ौल काम सर अंजाम दे रहे हैं। एग्रीकल्चर के शोबे में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमने ज़रई अजनास की ऐसी इकसाम तैयार कर ली हैं जिनकी पैदावार निस्बतन ज़्यादा है और वो मुख्तलिफ बीमारियों का बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकती हैं। न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी निफा के इदारे में फसलों की बीमारियों का सुराग लगाने और इनके सदेबाब के लिए तहकीकी काम अभी तक भी जारी है। इस इदारे में खुराक को ज़्यादा अरसे तक महफूज करने का काम भी किया जाता है। मेडिसिन के शोबे में न्यूक्लियर शवाओं का इस्तेमाल रोज़ बर रहा है। पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत न्यूक्लियर मेडिसिन के सेंटर्स में न्यूक्लियर शवाओं के ज़रिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स के कैंसर्स और ब्लड कैंसर्स के अलावा दूसरी कई अमराज की यानी दूसरी कई बीमारियों का हम डायग्नोस कर सकते हैं, उनकी तशखीस कर सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट की यानी उनके इलाज की सहूलत भी दस्तियाब हैं। अगर हम इंडस्ट्री के शोबे में देखें तो इंडस्ट्री के शोबे में भी मुख्तलिफ तरीक़ों के मटेरियल्स को तोड़े बगैर इसके साथ ही बच्चों ये एक एक्स्ट्रा ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक दिया गया है और उसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि 28 मई 1998 को चागी यानी बलूचिस्तान के मुकाम पर एटमी धमाका करके पाकिस्तान दुनिया के एटमी ममालिक की सफ में शामिल हो गया है। मजीद बरा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और दूसरे कौमी इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने नेशनल लेवल पर शाहीन और गोरी मिसाइल सीरीज बनाकर मुल्क के जो मुल्क का डिफेंस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यानी मुल्क के दिफा को मजबूत करने में अहम करदार अदा किया है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के शोबे में इसने क्या हम लोगों को बेनिफिट दिए हैं। तो इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज़ हम मुख्तलिफ तरीक़ों के मटेरियल्स को तोड़े बगैर इनमें मौजूद नकाइस का पता चलाया जा सकता है कि इनमें किस किस्म के डिफेक्ट्स हैं, क्या ख़राबी है, क्या नुक्स हैं इसमें। 1995 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन
ने मुल्क में पावर जनरेशन बॉयलर्स, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, केमिकल, पेट्रोलियम और जहाज साजी की इंडस्ट्रियों में वेल्डिंग की ज़रूरियात और उसके बेनिफिट को महसूस करते हुए पाकिस्तान वेल्डिंग इंस्टीट्यूट यानी PWI कायम किया था। जिसका मकसद इंडस्ट्रियों को आला क्वालिटी की वेल्डिंग की सहूलियत मुहैया करना है। इन शॉर्ट, पाकिस्तान के साइंसदानों और जितने भी इंजीनियर्स हैं उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद यानी महदूद वसाइल के बावजूद एटॉमिक एनर्जी की फील्ड में हातिर हवा कामयाबियां हासिल की हैं और ये उम्मीद है, दिस इज़ अ ब्राइट होप, हम ये कर सकते हैं कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुल्की मुआशियत में एक अहम करदार अदा करेगा। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कम्प्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।